नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। राम राम हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने विधायकों और लोकसभा कोऑर्डिनेटरों के साथ बैठक ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विधायकों से फीडबैक लिया और उनकी समस्याओं को भी सुना। वहीं बैठक के बाद मुख्यमंत्री ओएसडी जवाहर यादव ने इनकी जानकारी दी। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 2 नवम्बर को कारगिल करनाल रैली की तैयारियों की समीक्षा की गई। वहीं जवाहर यादव ने कहा कि विधायकों का जनसंवाद कार्यक्रम अच्छा चल रहा है। वहीं दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में जाकर जनसंवाद कार्यक्रम करने से विधायकों का मनोबल बढ़ा है और साथ ही सरकार ने जनहित के लिए जो काम किए हैं उनका बहुत अच्छा फीडबैक मिला है। देखिए, दोनों में पहले विधायक भी अपने क्षेत्र के जो काम होते हैं उनको लेकर आते हैं, पुराने काम है उनमें क्या प्रोग्रेस हो गई उसकी जानकारी देते हैं, नए विषय माननीय मुख्यमंत्री के सामने रखते हैं। उसके बाद जो 10 लोकसभा है उनके जो एक एक कोऑर्डिनेटर लगे हैं उनके जो में जो काम थे, समाज हित के काम थे, उनको लेकर उनका फीडबैक लिया है और नई कुछ जानकारी फील्ड के लिए दी गई है, जिससे कि और उसका मेन उद्देश्य होता है कि हरियाणा के जो 2,80,00,000 लोग हैं उनके जीवन को बेहतर कैसे करें। ऐसे ही अभी 2 तारीख को माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं करनाल में, जिसमें जिन लोगों को लाभ मिला है, जिनको हम लाभार्थी कहते हैं, ऐसी इसकी एक बड़ी रैली भी की जा रही है, उसकी भी समीक्षा की गई है। जी, जो नए कोऑर्डिनेटर जो बनाए गए थे 10 लोकसभा, इनका वर्क जो 2024 के चुनाव तक चलता रहेगा या इनकी रिपोर्ट आने की, वो रिपोर्ट आ चुकी है इनकी वर्किंग की? नहीं, ये तो सीएम ऐसा, ये कोई वैसा कोई उस तरह का नहीं है। सीएम साहब को रिपोर्ट करनी होती है, सीएम साहब जो जो काम देते हैं वो फील्ड में जाके उनका फीडबैक लेना होता है। कुरुक्षेत्र लोकसभा सांसद भाजपा प्रदेशाध्यक्ष नायब सिंह सैनी के करनाल में 2 नवंबर को होने वाले अंत्योदय महासम्मेलन की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव में बेहतरीन कार्य करने में हरियाणा के देश में तीसरा स्थान मिलने पर सीएम मनोहर लाल, सभी अधिकारियों और नागरिकों को बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि करनाल में 2 नवंबर को होने वाला अंत्योदय महासम्मेलन ऐतिहासिक होगा। महासम्मेलन के अंदर शिरकत करेंगे उसकी तैयारियों के लिए आज यहाँ मैं आया था, और क्योंकि आदरणीय गृह मंत्री जी हमारे हरियाणा प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहाँ रहेंगे, व्यवस्थाओं के बारे में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने योजनाएं चलाई, जो मुख्यमंत्री जी ने योजनाएं चलाई, ऐसे जो बेनिफिशरीज हैं उन बेनिफिशरी से आदरणीय अमित शाह जी 2 नवंबर को सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में होने वाले अंत्योदय महासम्मेलन में देश के गृहमंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे और इस महासम्मेलन को लेकर की जा रही तैयारियां अंतिम चरणों में चल रही हैं। वहीं आपको बता दें कि पंडाल से लेकर एंट्री पॉइंट तक सभी इंतजामों की बारीकी से जांच की जा रही है। वहीं करनाल पुलिस रेंज के आईजी सत्येंद्र गुप्ता ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। आईजी ने बताया कि महासम्मेलन को लेकर कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। देखिए, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय की विजिट को लेकर यहाँ पे उसको देखते हुए सुरक्षा के लिए हमने सभी चाक चौबंद बंदोबस्त यहाँ पे किया है। टोटल जो आवश्यकता अनुसार सारा हमने यहाँ पे डिप्लॉयमेंट किया है। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे पुलिस फोर्सेज आ चुकी हैं, रिहर्सल्स उनकी चल रही है और सुरक्षा को लेकर जो सभी समुचित बंदोबस्त है वो किए जाएंगे। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता का बयान सामने आया है। यूएलबी में हमने प्रॉपर्टी आईडी देश में सबसे पहले हरियाणा ने लागू किया। वहीं 2019 में इसको लेकर लागू किया गया। हमने शुरू किया तो 30,24,000 प्रॉपर्टी थी, जब डाटा मिला तो 42,67,000 प्रॉपर्टी थी। वहीं 47,65,000 प्रॉपर्टी आज है। हम एक एक इंच को हमने नाप लिया है। वहीं पुरानी प्रॉपर्टी 34,45,000 थी, जिसमें 34,40,000 प्रॉपर्टी को
इंट्रेगेशन कर लिया गया। हमें पंचायतें जो निगमों में आ गई हैं, लाल डोरे के अंदर हैं, उनको भी हमने प्रॉपर्टी आईडी में लिया है। जब मुख्यमंत्री ने इसको प्रधानमंत्री को बताया तो प्रधानमंत्री ने पूरे देश में इसे लागू करने को कहा और आज जो रजिस्ट्री होगी वो ऑटोमेटिक प्रॉपर्टी आईडी में चढ़ जाएगी। प्रॉपर्टी आईडी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो पूरे देश में सबसे पहले हरियाणा ने किया। हरियाणा ने इसका टेंडर निकाला 2018 में, एग्रीमेंट किया 2019 में और 2023 में इसका डाटा हमें मिला। डाटा को हमने पब्लिसाइज किया, उसमें काफी गलतियां भी आई, हमने उसको स्वीकारा भी, लेकिन जब इसका टेंडर दिया था तो उस समय प्रॉपर्टी थी 30,24,000 और जब ये काम शुरू हुआ तो ये प्रॉपर्टी थी ना, जब ये हमें डाटा मिला जब उसने काम करके दिया तो ये हो गई 42,67,000 और आज ये प्रॉपर्टियां हो गई हैं 47,35,000। ये मैंने राउंड फिगर बताई है। महिला बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश राणा ने कुरुक्षेत्र उपमंडल पिहोवा के गांव सारसा और संदोली में समाज कल्याण अधिकारी को लापरवाही बरतने पर सस्पेंड करने के निर्देश जारी किए हैं। वही अधिकारी ने जनसंवाद कार्यक्रम में अपनी जगह डाटा एंट्री ऑपरेटर को भेजा था। इतना ही नहीं, राज्य मंत्री कमलेश राणा ने जनसंवाद में गैर हाजिर पर रहने वाले जीएम रोडवेज जनस्वास्थ्य विभाग के एक्स ईएन और एसडी और मार्केट बोर्ड के अधिकारियों के कारण बताओ नोटिस जारी किया और उनको निर्देश दिए। तो वहीं गांव के मलिकपुर में देर से पहुंचने पर खंड शिक्षा अधिकारी पिहुआ को चेतावनी दी गई और कहा कि भविष्य में जनसंवाद कार्यक्रमों को गंभीरता से नहीं लिया तो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस दौरान मंत्री ने लोगों की समस्याएं भी सुनी। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार हम सभी मंत्रियों को विधायकों की भी ड्यूटी लगी है। हम भी लगातार एक विधानसभा के 5 गांव में जनसंवाद करने का काम कर रहे हैं। आज मेरा पेवा विधानसभा का 5 गांव का जनसंवाद का कार्यक्रम है और मैं पहला मेरा प्रोग्राम सारसा गांव का था और यहाँ पर जो भी समस्याएं आई हैं, जो दिक्कत परेशानियां हैं, उनका समाधान करने का काम मैंने सभी विभागों के अधिकारी के साथ है और एसटी का भी साथ में है। तो जो भी दिक्कत परेशानी है, जो भी घटना इस पर दूर करेंगे, जो डिमांड गांव की तरफ से जो आई है वो हमारे मुख्यमंत्री के पास पहुंचाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से चलाए जा रहे जनसंवाद कार्यक्रम के तहत भवानीखेड़ा क्षेत्र में डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने करीब आधा दर्जन गांव का दौरा किया और जन समस्याओं को जाना। वहीं ग्रामीणों ने बीजेपी पार्टी डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा का पगड़ी फूल माला पहनाकर स्वागत किया और वहीं मौके पर उपस्थित विभागीय और प्रशासनिक अधिकारियों को जल्द समस्या का समाधान करने के आदेश दिए। ग्रामीण संबोधन में उन्होंने बीजेपी पार्टी कार्यकाल के 9 साल विकास कार्यों को और योजनाओं का गुणगान करते हुए कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम चलाकर हल्के के करीबन 6,500 गांव में नई योजना लागू कर पुरानी समस्याओं को हल करने से संबंधित प्रयास किए और देश में धारा 370 हटाकर अखंड भारत का उदय किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व के अंदर है और प्रदेश के अंदर आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पिछले 9 साल के अंदर देश के अंदर भी अनेक कदम उठाने का काम किया, जो पुरानी समस्याएं थी उनको समाप्त करने का काम किया, चाहे धारा 370 हटा करके अखंड भारत बनाने का काम किया, चाहे 3 तलाक जैसी कुरीति है उसको समाप्त करने का
में महिला पुलिस कर्मियों को अन्य जिलों और राज्यों में ड्यूटी पर भेजे जाने पर डीजीपी ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को आदेश जारी किए हैं और महिला पुलिस कर्मी जब पुलिस टीम के साथ अन्य जिलों और राज्यों में ड्यूटी पर जाएंगी तो अकेली नहीं जाएंगी। पुरुष पुलिस कर्मियों की टीम एक महिला कमी नहीं बल्कि दो महिला पुलिस कर्मी शामिल होंगी। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले पुरुष पुलिस कर्मियों की टीम में अकेली महिला कर्मी भेजने का मामला संज्ञान में आया था, जिसके बाद ये आदेश जारी किए गए हैं। फिलहाल वक्त चला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।